नमस्कार दोस्तों, यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो नियमित रूप से श्री कनक धारा स्रोत का पाठ करने से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कनक धारा स्रोत स्वर्ण वर्षा करने वाला अद्भुत स्रोत है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जितने भी मंत्र हैं उन सब में कनक धारा स्रोत प्रमुख स्थान रखता है। यह स्रोत सबसे ज्यादा प्रभावशाली, कल्याणकारी एवं शीघ्र फल देने वाला है। धन तथा दरिद्रता संबंधी जितने भी दोष हैं, उन सभी का शमन करने में यह पूर्ण रूप से सक्षम है। कनक धारा स्रोत की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। इस स्रोत की महिमा के विषय में एक कथा है, जिसके अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। एक महिला की नजर भिक्षा मांगते हुए उस बालक पर गई। उस महिला को बालक के प्रति अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वह स्त्री बहुत गरीब थी। वह उस बालक को अच्छा भोजन नहीं दे सकती थी। उस समय उसे अपने दुर्भाग्य पर बहुत क्रोध आ रहा था। उस स्त्री की हालत को देखकर आदि शंकराचार्य जी ने कहा, जो भी आपके पास है, भले ही वह बहुत कम है, लेकिन वह पर्याप्त है। उस स्त्री ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था और उसके पास एक सूखे आंवले के अलावा व्रत खोलने के लिए और कुछ नहीं था। उसने वह सूखा आंवला शंकराचार्य जी के पात्र में डाल दिया और बड़े ही करुण स्वर में बोली, बेटा, मेरे बहुत ढूंढने पर भी मुझे सिर्फ यह आंवला ही मिला, तुम इसे ग्रहण करो। उस स्त्री की स्थिति देखकर शंकराचार्य जी रो पड़े और उन्होंने तत्काल माँ लक्ष्मी का आवाहन किया। उनके बुलाने पर माता लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, शंकर, मैं इसकी दरिद्रता को दूर नहीं कर सकती। इसके भाग्य में धन नहीं है, इसके कर्म ही इसकी गरीबी का कारण है। यह कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन शंकराचार्य जी ने उस स्त्री की दरिद्रता को दूर करने की ठान ली थी। उन्होंने तुरंत ही विह्वल भाव से 18 श्लोक के इस स्त्रोत का निर्माण कर माँ लक्ष्मी की स्तुति की। स्तुति करते समय शंकराचार्य जी के आंसू बहने लगे। जैसे ही यह स्त्रोत पूरा हुआ, तुरंत ही वहां पर सोने के सिक्कों की वर्षा होने लगी। तब माँ लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई और बोली, शंकर, तुमने इस स्रोत का निर्माण करके जगत का कल्याण किया है। इस कनक धारा स्रोत का जो भी भक्ति भाव से पाठ करेगा, उसके कुल में धन का अभाव कभी नहीं होगा। आइए अब शुरू करते हैं कनक धारा स्रोत। ओम वम श्रीम वम एम ह्रीम श्रीम क्लीम कनक धार्ये स्वाहा। जिस प्रकार भ्रमरी अर्ध विकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आशय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी जी की दृष्टि श्री अंगों पर लगातार पड़ती रहती है और जिसमें समस्त ऐश्वर्य और धन संपत्ति का वास है। उन समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की दृष्टि मेरे लिए मंगलदायिनी हो। जिस प्रकार भ्रमरी कमल की पंखुड़ियों पर लगातार मंडराती रहती है, वैसे ही जो दृष्टि माला श्री हरि के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाती है और लज्जा से वापस आ जाती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टि मुझे अपार धन संपत्ति प्रदान करे, जो समस्त देवों के स्वामी इंद्र के पद का वैभव अर्थात सुख प्रदान करने में समर्थ है, श्री हरि को भी अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाली है, तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए ही मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े, जिसकी पुतली एवं भौहें प्रेम के वशीभूत होकर अध खुली हैं, किंतु अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद भगवान मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। ऐसे शेषशायी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें धन संपत्ति
तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से सुशोभित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हरावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, उन कमल कुंज निवासिनी कमला की कृपा दृष्टि मेरा कल्याण करे। जैसे बादलों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु भगवान के मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, वह भगवती लक्ष्मी मेरा कल्याण करें। समुद्र कन्या कमला के वह मंद अलस मंथर और अधखिले नेत्र, जिनके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में मुख्य स्थान प्राप्त किया था, वह अधखिले नेत्र आज मेरा कल्याण करें। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी बादल दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धूप को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिसकी प्रीति के पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दया दृष्टि मुझे मन वांछित फल प्रदान करे। जो सृष्टि की रचना के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं और सृष्टि के पालन के समय श्री हरि भगवान की पत्नी तथा प्रलय लीला के समय शाकंभरी देवी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माते, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको मेरा प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपारती के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और अमृत की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली आदरणीय माते, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ, सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं, मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनकी कृपा दृष्टि के लिए की गई उपासना साधक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, ऐसे श्री हरि की प्रिया आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। हे भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नील कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बहुत ही मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल में प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी, हे कमले, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान दृष्टि से मेरी ओर देखो। जो मनुष्य स्तुति द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी माँ लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वह इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं।
तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति श्री कनक धारा स्त्रोतम। आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित इस चमत्कारी कनक धारा स्त्रोत का पाठ जो मनुष्य पूरे भक्ति भाव से करते हैं, वह लोग कुबेर के समान धनी होते हैं। बोलो लक्ष्मी मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आपको कनक धारा स्रोत का हिंदी में अनुवाद पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।